एबटाबाद लिटरेचर फेस्टिवल 11-12 मार्च आज सेकंड डे। सकलेन सलीम असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद। सो मच डॉक्टर साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज आपके तवस्सुत से हम जो है वो आज एबटाबाद के लोगों को और खसूसन पाकिस्तान के लोगों को हम ये बात जो है वो बताना चाहते हैं कि रीजन हज़ारा में, डबीन हज़ारा में फॉर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है एबटाबाद में एक एबटाबाद लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो करवाया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर एबटाबाद और जो हमारे जो कलेबरेटर्स हैं जिनमें ऑक्सफोर्ड यूनियन प्रेस है और जो है कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, जिसके वेन्यू को यूज़ करते हुए हम लोगों में, बच्चों में खसूसन इल्म व अदब की रूह को, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती जा रही है, हम उसको उजागर करना चाह रहे हैं। एबटाबाद लिटरेचर आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं वाइल्ड लाइफ के यहाँ के हेड एबटाबाद के, उनसे बात करते हैं। का ये मकसद था कि लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में आगाही दी जाए कि ये हमारे यहाँ कौन कौन सी इकोसिस्टम पाए जाते हैं। ने बात की आरिफ खटक साहब जो रेस्क्यू 1122 एबटाबाद के हेड हैं। स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें फायर से रिलेटेड, रेस्क्यू रिकवरी से रिलेटेड, डर्ट रेस्क्यू से रिलेटेड और मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड इक्विपमेंट यहाँ पे हैं। लोग आते हैं, हम से क्वेश्चन आंसर करते हैं, हम उनको इक्विपमेंट की ब्रीफ करते हैं और उसके साथ साथ उनको यही बताते हैं कि रेस्क्यू 1122 की जो खिदमात हैं तो वो एक सोसाइटी में क्या है। बताते हैं कि जिन मेरे स्टाफ मेंबर ने जो रेस्क्यू ने 2 दिन यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है 9 to 5, उनके लिए मैंने एडिशनल जो डेज है उसका ऑफ भी कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान जब सुबह आता है शाम को जाता है इतनी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है, लोग आते हैं और उसके अलावा यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट भी करना होता है, तो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेरी अपने टीम का मुझे ख्याल है, मुझे एबटाबाद के लोगों का ख्याल है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि रेस्क्यू 1122 24/7 एबटाबाद की आवाम के लिए, एबटाबाद के लोगों के लिए हाई अलर्ट है, रेस्क्यू का साथ दें, रेस्क्यू आपका अपना डिपार्टमेंट है। जी जी तो मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अगर आप रेस्क्यू के, आप अगर रेस्क्यू वाले हैं तो मेरी मदद के लिए कोई 2 बंदे भेजो प्लीज़, मैं फंसा हुआ हूँ अंदर। जी बोल रहे सर। अच्छा ये रेस्क्यू का तलाश करने वाला सर्च क्या है? अच्छा ठीक हो गया, कितने लोग आ रहे हैं, मेहमान वगैरह हैं, कुछ लोग आए? जी सर विजिट्स किए। जी मेरा नाम तलाक सलीम है, मैं एबटाबाद में एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एबटाबाद काम कर रहा हूँ और मैं जो जितना भी ये प्रोग्राम हो रहा है एबटाबाद लिटरेचर फेस्टिवल उसका फोकल पर्सन मैं हूँ। अरेंजमेंट वगैरह जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के और बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिल के सारी जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे ऐसे तरीके से ये काम, माशाल्लाह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इन्वाल्व थे, जिसमें आ गया हमारे पास कंटेनमेंट बोर्ड हो गया, हमारे पास वासा हो गया, TMA होगी, उसके अलावा हमारे पास बैंक ऑफ खैबर हो गया और ITI हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हो गया, जिन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और सब डिपार्टमेंट्स ने मिल के एक कामयाब फेस्टिवल का इनाकाद किया। हम उम्मीद करते हैं कि जो बात के वहाँ इन्जॉय किया होगा इस फेस्टिवल को। देखने में आपसी नहीं कि वो चले तो कहकशासी राह गुजर, अगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। ये थी आज की तकरीब जिसमें हमने शिरकत की। आइंदा आने वाले दिनों में इससे बेहतर इंतजाम के साथ इससे बेहतर सेशन यहाँ पर होंगे। बुक्स ऑन व्हील, ये था आज का व्लॉग जो आपने देखा।